हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हैं। यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड अपडेट आया है। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के जो ब्राउज़र है, एडमिशन ब्राउज़र ओपन हो गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स है तो आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कब तक डेट है और किन किन सब्जेक्ट में और कितना सीट है, यही बताऊँगा। अगर और चीज़ें देखना है डिटेल्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 है और पीएचडी प्रोग्राम है यहाँ पे, और ये निकला हुआ है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC और PWD है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और सीधे सीधे लिख दिया गया है यहाँ पे। और कैटेगरी ऑफ पीएचडी कैंडिडेट, देयर विल बी टू कैटेगरी ऑफ एडमिशन, दो तरह से होंगे यहाँ पे। पीएचडी कर सकते हैं फुल टाइम में और पार्ट टाइम में। और फुल टाइम के लिए है इंटरनल, पार्ट टाइम इंटरनल स्टूडेंट के रेगुलेशन है, और पार्ट टाइम कैंडिडेट एक्सटर्नल के लिए भी अलग रूल है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन का जो तरीका है वो क्या होगा, दो तरह से होंगे। एक तो होगा एंट्रेंस बेस परीक्षा होगा, जिसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और रिटन टेस्ट, और 70 मार्क्स हैविंग पार्ट ए में। देयर इज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑफ 0.7 ईच रिलेटेड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, ये होंगे। पार्ट बी, देयर विल बी 50 जो होंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसका मार्क्स होगा 0.7 मार्क्स ईच रिलेटेड टू द कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे। तो ये हो गया द क्वालिफाइंग मार्क ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो 50% होगा टोटल मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट का। और 5% रिलैक्सेशन मिलेंगे आपके अगर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो, कैंडिडेट के UGC नेट JRF और CSIR के हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसका पूरा डिटेल्स। और जो इंटरव्यू होगा उसके बाद, और DRC होगा उसके बाद, तो आपका होगा एडमिशन। और उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा आपका, पढ़ाई कितने दिन का होगा दिया हुआ है, कि पूरा लीव मिले पूरा डिटेल्स दिया है, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा। और बता देता हूँ कौन किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। देखिए यहाँ पर सीट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, एंट्रेंस टेस्ट कोड दिया है और सीट दिया है। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में आपको दो सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में आपको तीन हैं, अप्लाइड जूलॉजी में तीन हैं, माइक्रोबायोलॉजी में दो है, बोटनी में चार है, बिजनेस मैनेजमेंट में 6 है, केमिस्ट्री में 9 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2 है, क्रिमिनोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 4 है, एजुकेशन में 8 है, इंग्लिश में 4 है, फॉरेंसिक साइंस में 3 है, ज्योग्राफी में 6 है, हिंदी में 9 है, हिस्ट्री में 4 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 है, लॉ में 2 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 है, और लिंग्विस्टिक में 3 है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 10 है, और म्यूजिक में 3 है, और फार्मास्यूटिकल साइंस में 5 है, और पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 4 है, और एडल्ट एजुकेशन में 1 है, संस्कृत में 7 है, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में 1 है, 6 है,
और उर्दू में एक है, योगिक साइंस में दो है, जूलॉजी में दो है, फाइन आर्ट्स में एक है और परफॉर्मेंस आर्ट्स में एक है। टोटल आपको 134 सीट है पीएचडी का, तो काफ़ी सीट है यहाँ पे। और ये देखिए कि रिजर्वेशन वाइज पूरा सीट यहाँ पर दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में और किस कैटेगरी में कितना सीट है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल बता दूँ, जनरल में 135 है और 55 है ओबीसी के, इस तरह से पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो इंट्रेंस टेस्ट की बात करें, फ़ी की तो बात करें, तो आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ESW हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर हैं, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। और SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, फीस एग्जेम्प्टेड हैं आप। और PW और सच जो भी हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा, और SC ST हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर अदर से भरते हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा, अगर जनरल OBC है तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ये हो गया। और अप्लाई करने का आपको 55% वैलिड डिग्री या ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का है, भरने का है यहाँ पे, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है पूरा यहाँ पे बताया गया है। किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो और लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना ज़रूरी है यहाँ पे आपको, कि जो डेट है, तो मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि कब तक ये आपको फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो यहाँ पे देखिए डेट ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको PhD प्रोग्राम के लिए 7 जुलाई से फॉर्म अप्लाई करने का डेट शुरू हो गया है और 3 अगस्त तक रहेगा। और एडमिशन नोटिफिकेशन पे ये है लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके और भर सकते हैं आप फॉर्म। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अंत में ही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।